दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बेकू पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ EPS95 पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स को जो कि अभी तक इन प्रोग्रेस में हो चुका है। तो हर एक अपडेट जो है आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, हर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि अभी घटा है हाल फिलहाल में EPS95 पेंशनर से जुड़ी हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य का आने वाला कोई भी अपडेट भी आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए जानते हैं EPS95 पेंशनर्स के मुद्दे में किस प्रकार का जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बाबूजी पात्रा लिखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अशोक राउत, कमांडर अशोक राउत जी को टैग करते हुए और बीजेपी फॉर इंडिया को टैग करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन 7500 दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर 7500 देते हुए जल्द से जल्द 7500 प्लस भत्ता दीजिए। और श्री जितेंद्र सिंह जी को दिनांक 7/12/2019 को दिल्ली में PMO ऑफिस में ज्ञापन भेजने के सौंपा गया था, कार्यक्रम किया गया था। तो ये एक पोस्ट किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि PMO इंडिया और यहाँ पर आप कमांडर अशोक राउत जी हैं बीजेपी फॉर इंडिया और जितेंद्र जी को ये जो है ज्ञापन जो सौंपा गया था उसका एक जो है प्रति यहाँ पर लगा के दिया गया है। एक तरह से ये जो है जितेंद्र जी को और बीजेपी फॉर इंडिया को कहीं ना कहीं रिमाइंडर देने का काम किया गया है, एक तरह से उन्हें जगाने का काम किया गया है EPS95 पेंशनर्स के द्वारा कि अब वो जागे और पेंशनर्स की समस्या को समझें और पेंशनर की समस्या को देखें। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में पेंशनर्स आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 तारीख को उपस्थित थे अपनी माँओं के लिए, जायज माँओं के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके भी कुछ पिक्चर्स साझे किए गए हैं, कितनी अपार जनसमूह जो है वहाँ पर उपस्थित थी। तो उन्हें ये चीज़ जो है टैग करते हुए बताया गया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि EPS95 पेंशनर्स अपार जनसमूह वहाँ पर उपस्थित थी अपनी जायज मांगों के लिए और उन्होंने ये चीज़ की है और ये टैग करते हुए लिखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और देखते हैं अगले अपडेट में हम देखते हैं कि EPS95 नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा ट्वीट किया गया है बीजेपी फॉर इंडिया को, सोशल EPFO को, लेबर मिनिस्ट्री को, वी डिमांड मिनिमम 7500 विद DA। तो हम डिमांड करते हैं 7500 और DA की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय के सामने जो कार्यालय में, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ इसको, तो ये कार्यक्रम जो कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पेंशनर्स के द्वारा किया गया था बुलनाडा में जो अभी हाल आपको बताता चलो कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले EPS95 पेंशनर्स के द्वारा अपार जनसमूह के द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलनाडा जिला और यहाँ पर आप ये कार्यक्रम जो है इसका भी कुछ पोस्ट जो है टैग करते हुए बीजेपी फॉर इंडिया को, लेबर मिनिस्ट्री को और सोशल EPFO को भेजा गया है कि आप देख सकते हैं कि कितनी अपार जनसमूह जो है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस DA की मांग करी है। करीब 65 लाख जो EPS95 पेंशनर्स हैं वो अपने संघर्ष में कहीं ना कहीं जो है पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। उपेंद्र जी लिखते हैं नरेंद्र मोदी संतोष गंगवार का CMO महाराष्ट्र, NDTV, ABP न्यूज़, इंडिया TV, टाइम्स नाउ और नेशनल एजुकेशन कमेटी 2 को 25 दिसंबर का दिन जो बीता है उस दिन 367th डे ऑफ 1 ईयर 2 डेज ऑफ इनफाइनाइट चैन हंगर एगेशन बाई EPS95 पेंशनर्स EPFO सोशल सिक्योरिटी ₹1000 सेम फुल। तो 1 साल 2 दिन कंप्लीट होने के ऊपर उन्होंने ये जो है टैग किया हुआ था जो कि सीधे टैग किया गया था काफ़ी मीडिया चैनल्स को और बाकी संस्थाओं को जिससे कि वो लोग भी अवेयर हो सके कि किन परिस्थितियों में पेंशनर्स जो हैं अपनी जायज मांगों के लिए संघर्षरत हैं। एक अगले ट्वीट में नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा PMO इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, लेबर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, 65 लाख EPS95 पेंशन धारकों की मांग पूरी करनी पड़ेगी, हमें हमारा हक चाहिए, न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस भत्ता, 366 दिन चेन उपवास, राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय बुलाना, EPFO, EPF95, ABP न्यूज, न्यूज इंडिया, News18 इंडिया, जी न्यूज और मीडिया, ये पिक्चर्स भी साझा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSC के जो लीडर्स हैं जिनके द्वारा ये मांग की जा रही थी, जो संघर्षरत हैं, उनका जो कार्यक्रम था जिसमें वो अपनी बातें रख रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स जो हैं यहाँ पर साझा किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं।
अन्य पेंशनर्स को प्रेरित करते हुए पेंशनर्स को प्रेरित करते हुए और जो है आपका ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था। दिल्ली में जो रास्ता रोको आंदोलन हुआ था, दिल्ली में जो रास्ता रोको आंदोलन हुआ था 7 दिसंबर 2019 के, उसके कुछ जो यूनिक पिक्चर्स हैं वो भी साझा किया गया है। मैं आप लोगों के साथ जूम करके दिखाऊंगा ये पिक्चर्स, और आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ये रास्ता रोको आंदोलन के कुछ यूनिक पिक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हो, जो कि मीडिया में नहीं आई थी उस समय। और ये देखिए महिला शक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला शक्ति यहाँ पर है, और यहाँ पर बुजुर्ग हैं सारी महिला शक्ति, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं यहाँ पर आप देखिए। और ये देखिए ये 7 दिसंबर को कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, अपार जनसमूह वृद्ध महिलाओं का जो कि अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए। ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए ये पिक्चर देखिए, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो है EPS95 पेंशनर्स हैं उपस्थित हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टू द बीजेपी गवर्नमेंट को एक ट्वीट करते हुए लिखा गया है, यहाँ पर जो समित पात्रा जी हैं उनके द्वारा कोई कार्यक्रम में जो है मेमोरेंडम दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा ट्वीट किया गया है, और इसमें लिखा गया है कि मेमोरेंडम हैड बीन सबमिटेड टू श्री जितेंद्र सिंह जी टू इंक्रीज EPS95 पेंशनर्स ऑन 7 दिसंबर 2019 टू HPMO ऑफिस, गिव एन अल्टीमेट टू प्रेजेंट गवर्नमेंट टू द टेक एक्शन, वी आर गेटिंग मिनिमम 1000 इवन लेस। तो ये देखिए ये बीजेपी फॉर इंडिया के ट्वीट के ऊपर ही ये ट्वीट किया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि हम लोग जो है 1000 रुपये से भी लेस से जो है पेंशन हमें प्राप्त हो रही है। और ये कुछ उस पर साथ ही साथ ये आप देख सकते हो कि ये सीधे बीजेपी फॉर इंडिया को ट्वीट करते हुए अपनी बात को रखने का यहाँ पर प्रयास किया गया है NAC के द्वारा, नेशनल एजुकेशन कमेटी। ये नया ट्विटर अकाउंट हैंडल है नेशनल एजुकेशन कमेटी का, NATIONALAGITAT2 करके है। तो ये नया ट्विटर अकाउंट हैंडल है जिसके माध्यम से ट्वीट करते हुए ये बात वहाँ तक पहुँचाई गई है। एक अन्य पोस्ट के माध्यम से एक पेंशनर अपनी बात रखना चाहते हैं, और वो रखते हैं कि आवर रिस्पेक्टेड लीडर्स ट्राई टू गेट अ चांस टू टॉक अबाउट EPF पेंशन पर्सन विथ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि एक अवसर जो है मिलना चाहिए जो लीडर्स हैं EPS95 NAC के उनको, और जो कि सीधे नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी बात उन तक पहुँचा सके, ऐसा वो पोस्ट के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। बात की जाए अन्य पोस्ट की, तो अनशन दूसरा साल शुरू, कब तक बुलाना टीम को अपने अनशन पे बिठाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ अलग सोचो। एक अन्य जो है पोस्ट के माध्यम से अन्य पेंशनर्स जो है अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं कि कुछ अलग सोचने की अब ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा होने के बाद भी जो है किसी प्रकार का सुनवाई नहीं किया गया सरकार के द्वारा अभी तक। रिजल्ट ऑफ झारखंड आर आई ओपनर फॉर बीजेपी, गिव जस्टिस टू EPF पेंशनर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पोस्ट में लिखा गया है कि रिजल्ट जो झारखंड का आया है वो आँख जो है खोलने वाली है बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पर जो है EPF 95 पेंशनर्स के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, जिस वजह से गिव जस्टिस टू EPS95 पेंशनर्स, ऐसा उन्हें जो है कहीं ना कहीं ये झारखंड को EPS95 पेंशनर्स से रिलेट करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रखी हुई है। पेंशनर्स के साथ जो है अन्याय हो रहा है, जिस वजह से जैसे रिजल्ट जो है झारखंड जैसे निकल के आ रहे हैं बीजेपी फॉर इंडिया के लिए। इफ सुप्रीम कोर्ट कैन ओपन ऑन संडे टू हियर द महाराष्ट्र इशू, then pensioners issue also deserved attention at our focus should be to have attention of Supreme Court CGI. तो अगर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र इशू के लिए संडे को खोल सकता है तो हमारे जो पेंशनर्स हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उसके लिए भी जो है इसको उसको खोलना चाहिए संडे को भी, उस चीज़ के ऊपर CGI को सोचना चाहिए, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र जो है 60 से लेकर 80 वर्ष तक है, और साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं वो उनकी जो पेंशन है वो काफ़ी मिनिमम है, काफ़ी एक जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उससे भी नीचे है, जिस वजह से उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी दिक्कत भरा कार्यक्रम है, काम है ये चीज़।
तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। आप अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट नई जानकारी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।